आज मैं आप लोगों को 2.3 करवा रहा हूँ, नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया। मैंने 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 125 इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आपको लेना आता होगा ज़ूलॉजिकल किस तरह लिया जाता है, यानी कि 125 को आपने एक तरफ लिख लेना, और अगर लास्ट पे 5 हो तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, या 3 या 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 = 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 10 में 2 बचेगा 5 आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 5 से जा रहा है, लास्ट पे 5 है, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, यानी कि आपने इसको डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे देखिए 3 − 5 की पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो भी अंडर रूट के यहाँ पे होगी 3 पावर, इसकी पावर 3 लेकर आनी है। अगर यहाँ 2 है, इसकी पावर 2 लेकर आनी है, अगर इसकी पावर 5 है तो यहाँ पे पावर 5 लेकर आनी है। अब यहाँ पर देखें 3 पावर हम ले आए, तो 1/3 हम लिखेंगे, और 3 इसका आ जाएगा, -5 का आ जाएगा, और अंडर रूट में आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 3 को 3 से कटिंग करेंगे, इस 3 को इस 3 से कटिंग करेंगे, तो -5 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस अंडर रूट का लगाया 1/3, और ये -3 इसका 3 था, जो कि इसके 7 आ गया, और कटिंग करके -5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 4 = 32, यानी कि मैंने ऊपर आपको बताया था अगर यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 आएगा, तो अंदर भी 3 आएगा। अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 1/4 आएगा, यानी कि 30 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/4, और हमें अंदर भी 4 चाहिए। 32 को 4 में लेके जाएंगे, तो हम लोग इसका फिर लेंगे, यहाँ देखिए 2 के साथ होगा तो 16 आ जाएगा, 2 के साथ होगा तो 18, 2 के साथ होगा तो 4, 2 के साथ होगा तो 2, और 2 के साथ होगा 2। अब यहाँ इसकी पावर गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पावर 5 बन रही है, लेकिन हमें पावर चाहिए 4। ये इसी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पावर 4 है, हमें पावर 4 चाहिए अंदर, लेकिन यहाँ 5 बन रही है। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, आगे मल्टीपल कर देंगे, 2 लिख देंगे, यानी इन दोनों का पावर 5 बन जाती है, बाहर आ जाएगी पावर 1/4 आ जाएगी। 5 डायरेक्टली जितनी पावर हमें चाहिए हमने उतनी पावर लिखनी है। अब ये वाला 4 इस 4 से कटिंग होगा, ये वाला 4 इस 4 से कटिंग होगा, इसका मतलब ये 4 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा। जैसे ये 2 अंदर रह गया और 1/2 इसके ऊपर रह जाएगा, इसका 1/2 से कट गया तो ये बाहर आ गया, इसका नहीं था तो इसका ऊपर आ जाएगा, यानी कि जजर की अलामत बन जाएगी हमारे पास, यूं करके ये 4 वापस का वापस और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ गया आंसर। यहाँ पे देखिए 5 भी है, 3/32 है। सबसे पहले हम इसकी पावरें बना लेते हैं, 3 की पावर 1/5 ऊपर के ऊपर लिख देंगे, और नीचे वाले की नीचे सेपरेट कर देते हैं, 32 की पावर 1/5। यहाँ पे हमें पता कि 3 की पावर 5 नहीं बन सकती, क्यों जितना मर्जी हम कर लें 3 की पावर 5 बन ही नहीं सकती यहाँ पे, नहीं यहाँ 32 की पावर 5 बन सकती है, तो इसलिए हम 32 को इस्तेमाल करेंगे। 32 के हम लगाएं 2, तो कितना आ जाएगा 16, ये हमने पहले भी किया हुआ, 2 आएगा तो 18, 2 आएगा तो 4, जो डिवाइड करते जा रहे हैं, 2 आएगा तो 2, टाइम थिंक 2 आएगा तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 की 5 बन गई। ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे लिखी जाएगी 1/5, और नीचे वाली हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 5 1/5, यानी कि ये वाला 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 5 इस 5 से कटिंग होगा, और आगे इसकी पावर बन जाएगी 5, यानी कि ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला कटिंग करके 2 आ जाएगा, और ये आ गया आंसर।